नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। कल होली का त्यौहार पूरे देश भर में जो है वो मनाया जाएगा, और उससे पहले ही अगर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के बाज़ार भी जो हैं वो सज चुके हैं, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। रंग बिरंगे जो पिचकारियाँ आई हुई हैं और उसके साथ साथ कलर जो आए हुए हैं वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये त्यौहार जो है वो ही धूमधाम से जो है वो पूरे देश में जो है वो मनाया जाएगा। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी इसका सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सुबह से ही, और अलग अलग तरह की आपको वैरायटी जो है वो दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो मार्केट में आ पहुँची है। ये आप पिचकारियाँ जो देख रहे हैं नए डिज़ाइन की पिचकारियाँ हैं, और इस बार जो है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी 100% जितने भी कलर आए हुए हैं वो पैकेट में आए हुए हैं। ये पैकेट आपको दिखा रहा हूँ, ये पैकेट सारे जितने भी हैं गोल्ड गुलाल और उसके साथ साथ ये सारे और बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो ये स्प्रे जो है ये आप देख रहे हैं अलग अलग रंगों से, और जेन्युइन रेट हैं इनके भी। आपको बता दूं 130 की जो है वो ये आपको बड़ी बॉटल जो है वो मिल जाएगी, उसके साथ साथ छोटी बॉटल जो है वो 65 रुपीज़ की जो है वो मिल जाएगी। और बाकी अगर शहर भर की अगर बात करें तो सिर्फ पुराने शहर की अगर मैं बात करूं तो पुराने शहर जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल ही सज चुका है। लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आइए, जो लोग यहाँ पे आए हैं इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सुनील जी, किस तरह से जो है वो कल त्यौहार पूरे देश भर में जो है वो मनाया जाएगा होली का, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? सर, बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों के लिए सामान लिया है, अच्छे से उसको सेलिब्रेट करेंगे, प्यार से बच्चों को सिखाएंगे कि अपना त्यौहार कैसे मनाया जाता है। पर मार्केट में रौनक अच्छी है, पहले से वैरायटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है मार्केट में। बात करें कि त्यौहार जो है वो इस वक्त थोड़े से फीके होते जा रहे हैं, लोग जो है वो कम इसको जो है वो लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं अपने त्यौहारों से, शायद स्पेशली हमारे हिंदू लोग। थोड़ा सा देखना चाहिए, आना चाहिए, बच्चों को सिखाएं कि त्यौहार को कैसे, हम करते थे अपने बचपन में और बच्चों को भी सिखाएं कैसे करना है। एक हफ्ता पहले से ही स्कूल टाइम की अगर बात करें, एक हफ्ता पहले से ही हम जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते थे स्कूल टाइम से। इस टाइम पहले एक दिन तो अच्छी रौनक होती थी बाज़ार में कि त्यौहार मनाए जाते, स्कूल टाइम में मनाए जाते, अपने हम दोस्त मनाते थे ना। आप स्कूल में ऐसा करने देते हैं, अलाउ करते हैं ना ही, हम माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, माँ बाप बस बच्चों को फोन दिया और लगे रहो उसमें, बस तो सही चीज़ सिखानी को सिखानी नहीं है बच्चों को। थोड़ा लेके जाएं साथ में त्यौहार सिखाएं कैसे करना है, कोई भी हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, बट हमारा हिंदू इस तरह से थोड़ा सा पीछे हट रहा है, थोड़ा सा देख जागरूक होना चाहिए उसको थोड़ा सा। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं उस दिन, लोग जो है वो रफ ड्राइविंग करते हैं, गाड़ियों जो बाइक्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ चलाते हैं, जिससे वो एक्सीडेंट का जो है वो ख़तरा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केस भी जो है वो आए होते हैं, उन लोगों को क्या अपनी तरफ से एक एडवाइस जो है वो देंगे? सर देखिए, वो तो उनकी अपनी गलती है, उनको नॉलेज चाहिए कि हम लोग कैसे त्यौहार मनाना है, उड़दंगबाजी करके या अपने आप को चोट पहुँचा के या किसी को पहुँचा के उससे त्यौहार मनाया तो जाता नहीं। प्यार से मनाइए, आराम से बाइक चलाइए और नशा दूर रखिए, थोड़ा सा उससे नशे मत करिए, थोड़ा अच्छे से त्यौहार मनाइए, यही मैसेज होगा सर। नशे में जो है वो गाड़ी ड्राइव ना कीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण जो है वो होली की बात करें तो कल बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं वो हुल्लड़बाजी जो है वो करते हैं, जिससे जो है वो रफ ड्राइविंग करते हैं जो एक्सीडेंट का कारण होता है, और घर वालों को भी जो है उसकी परेशानी होती है। आइए कुछ और भी जनता से बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो आज के दिन जो है वो ख़रीदारी होली की कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, हम स्कूल से आए, छुट्टी हो रही है अभी बड़ी, और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। इधर बहुत अच्छे कलर मिल रहे हैं, पिचकारी वगैरह बहुत वैरायटी पूरी है यहाँ पे, अच्छा है। तो किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे, किस तरह से मनाएंगे होली का? अच्छा बनाएंगे, यार दोस्तों के साथ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। जो लोग मोटरसाइकिल पे हुल्लड़बाजी करते हैं वो गंदी होली खेलते हैं, वो गंदी होली खेलते हैं, सिंपल ही रहता है, रात में होली खेलते हैं। ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, और इस दुकान पे नई वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी आई है, जैसे कलर हैं, पिचकारी है, कलर बम्ब हैं और वगैरह अलग अलग पिचकारियाँ हैं सारे। हम बड़े धूमधाम से होली बनाने के लिए बड़े उत्सुक हैं। बाजार किस तरह से सजा हुआ है? बिहार सर देखो कि रंगों के रंगों में लगना लगा त्यौहार, और मोती बिहार में हर वैरायटी इस दुकान पर मिलती है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े धूमधाम के मनाते हैं, और जी अपनी चाहत होती है, अपनी जो भी उनके मन में चाहत है अपने वो समान खरीदते हैं, और खरीदिए अपने जो भी यारे दोस्तों के होली बनाते हैं। खरीदारी हम होली के कलर ले रहे हैं, पिचकारी ले रहे हैं बच्चों के लिए,
होली अच्छी तरह से खेलनी चाहिए, किसी से गलत नहीं करना चाहिए। क्या हमारी भी बहनें रास्ते पे जाती हैं, लोग बैलून मारते हैं, बैलून नहीं मारना चाहिए किसी को भी। किसी के घर में कोई अच्छे से जा रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, और गलत से नहीं करना चाहिए, सभी से अच्छी तरह से होली करनी चाहिए। कलर की अगर बात करें तो किस तरह का कलर जो है वो खरीद रहे हैं आप? कलर हर्बल कलर खरीदने चाहिए, अच्छे कलर खरीदने चाहिए जिसमें केमिकल ना मिला हो, जिससे बच्चों की स्किन को और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जो बच्चे जो है वो रफ ड्राइविंग करते हैं, खुल्लड़बाजी करते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कि घर वालों ने भी थोड़ी सी कंट्रोल में रखना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत हो रहे हैं, उनको अच्छी लाइन पे लगाना चाहिए और अच्छे संस्कार देने चाहिए कि बच्चा अच्छी तरह से ड्राइविंग करे और गलत मोटरसाइकिलों पे किसी के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं होनी चाहिए। छेड़ाछाड़ी जो है वो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और सीधे तौर पर जम्मू की अगर जनता की अगर बात करें तो होली की तैयारी जो है वो आज से ही जो है वो शुरू कर दी है। इन लोगों ने अच्छी ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दिन जो लोग रफ ड्राइविंग करते हैं, हुलड़बाजी करते हैं, उससे जो है वो एक्सीडेंट का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, जिससे लोगों को और घर वालों को काफ़ी परेशानी होती है जब ये कोई हादसा होता है। तो लोगों से भी एक अपील है कि अगर आप होली का त्यौहार मना रहे हैं तो बिना नशा किए इस ड्राइविंग करें और ज़्यादा होलरबाजी ना करें। जिसको कलर लगाना पसंद आता है तो उसी को कलर लगाएं, ज़बरदस्ती ना करें, जिससे लोगों को जो है वो परेशानी ना आए। यही आज की जम्मू की अगर जनता की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से एक यही अपना पैगाम दिया है। टेकवन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटल प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेकवन, जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।